हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दीपा और आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा नेपाल अर्थक्वेक 2023। एक रिपोर्ट पेश किया गया है बाय दी हिंदू। 3 नवंबर में हमें नेपाल प्रोविंस में बहुत ही भयानक अर्थक्वेक देखने को मिली, जहां पर 157 लोगों की मौत हो गई है और एटलीस्ट 375 इंजर्ड हुए। नॉर्दर्न इंडिया में ये डेडलीस्ट स्ट्राइक रहा अर्थक्वेक का। 2015 के बाद से हमें ये अर्थक्वेक जो देखने को मिली बहुत ही भयानक रही। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है दैट जो रिसेंटली अर्थक्वेक हमने फेस की है वो दिल्ली रीजन में भी हमें देखने को मिला। 6.4 मैग्नीट्यूड में हमें देखने को मिला। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जितनी भी अलर्ट सिस्टम्स थी उन्होंने अच्छी तरीके से वर्क नहीं की, ठीक तरीके से उन्होंने अलर्ट जारी नहीं किया, जिसके कारण लोकल जितने भी लोग हैं उनको अलर्ट ना मिलने के कारण पहले से उनको सतर्क नहीं किया गया। और ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, जो अभी हाल ही में एक अलर्ट सिस्टम जारी किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, मास अलर्ट सिस्टम में भेजा नहीं गया, सेंड आउट नहीं किया गया, जिसके द्वारा ये एक फेलियर कहा जा सकता है। और इसके कारण ही हमें नेग्लिजेंसी बाय गवर्नमेंट हमें देखने को मिला। इवन गूगल के द्वारा जितने भी अलर्ट सेंड की जा सकती थी एनसीआर रीजन में वो भी नहीं की गई। ये अलर्ट्स ना मिलने के कारण उस रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें कैजुअल्टी देखने को मिली, डिज़ास्टर कह सकते हैं हम एक तरीके से हमें देखने को मिली। सो ये एक रिपोर्ट पेश की गई थी दी हिंदू के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।